हे YTBS की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस वॉइस एडिटिंग का सॉफ्टवेयर Audacity। दोस्तों एक बार इस सॉफ्टवेयर को अगर आपने डाउनलोड कर लिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होगा, एक रुपया भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपके वीडियो की वॉइस में या आप अपनी वॉइस को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह की एडिटिंग करनी हो, सपोज दैट जैसे मैं Audacity का यूज करता हूँ अपने यूट्यूब की वीडियो के बैकग्राउंड जो भी नॉइस आ रही है उसको रिमूव करने के लिए, फेसबुक पर जो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ उसके अंदर जो भी वॉइस करेक्शन करना है वीडियो में उसके लिए, इंस्टाग्राम पर जो वीडियो मेरी आवाज के साथ रिकॉर्ड करता हूँ उसमें किसी भी तरह से बास बूस्ट करना है या उसके लेवल को अप डाउन करना है या बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करना है उसके लिए, ऐसे ही आप भी इसका यूज कर सकते हैं अलग अलग पर्पज से। अगर आप सॉन्ग क्रिएटर हैं तो सॉन्ग के पर्पज से आप इसके मिक्सिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें वॉइस से रिलेटेड, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड सब कुछ आप इससे थ्रू कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है आज मैं YT भारत पर बताऊंगा, कैसे यूज करना है आज मैं आपको YT भारत पर बताऊंगा। तो सब कुछ जानने के लिए आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और सीख लेते हैं। और सीखने से पहले अगर आपने YT भारत चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना ताकि अपने सारे फ्रेंड्स अवेयर हो जाए इस सॉफ्टवेयर का कैसे यूज करना है उसके बारे में। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों मैं लेकर के आ गया हूं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप Audacity सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद इसको डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट का URL है audacityteam.org/download/windows। तो इस URL को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी करके इसको अपने ब्राउजर में ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां पर आपको क्लिक करना होगा Audacity 2.4.1 इंस्टॉलर, जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसके लिए आप यहां पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपका जो पेज है वो आपको ले आएगा इसके सेकेंड पेज पर। इसके सेकेंड पेज पर आने के बाद Audacity विंडो इंस्टॉलर इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप मैक पे काम करते हैं मैक को सेलेक्ट करिए, लिनक्स पे काम करते हैं लिनक्स पे क्लिक करिए। किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर इसे रन कर सकते हैं, ये सबसे इसका बेस्ट पार्ट है। विंडोज इंस्टॉलर पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर ये इंस्टॉल होना चालू कर देगा इसके इंस्टॉलर के थ्रू। ये आप देखिएगा अभी जैसे कनेक्ट होगा ये इंस्टॉलर इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन मैंने अपने लैपटॉप में इसे पहले इंस्टॉल कर रखा है तो ये देखिए ये इंस्टॉलर है। इस तरह से आपका इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद ये आपका डाउनलोड होने के लिए इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे, दो तीन ऑप्शन आएंगे, वहां पर आपको बस क्लिक करना है और विद इन 1 या 2 मिनट्स आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। Audacity का सॉफ्टवेयर देखिए डाउनलोड हो चुका है, डेस्कटॉप पे ये आइकन आ रहा है, ये आइकन पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप Audacity में एडिटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। एक फ्रेश रिकॉर्डिंग को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले ये आपका इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये इंटरफेस के बाद आपको सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि कैसे आप कर सकते हैं। आप अपनी वॉइस को हालांकि डायरेक्ट रिकॉर्ड करना चाहें तो इस आइकन पर क्लिक करके यहीं पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह एज ए यूट्यूबर काम कर रहे हैं तो किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप अपने वीडियो को ओपन करिए, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं आज फिल्मोरा के अंदर। ये यहां पर देखिए ये मैंने अपने वीडियो को ओपन कर लिया है, ये टाइमलाइन पर वीडियो ओपन है और इसको सबसे पहले MP3 फाइल में कन्वर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट पर क्लिक करिए, वीडियो को कोई नाम दीजिए, जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूं Audacity 1 मैंने नाम दिया इसका। इसको करने के बाद आप सेलेक्ट करिए MP3 जिसका न्यू फाइल फॉर्मेट है और एक्सपोर्ट कर दीजिए। आपका ये लगभग आधे मिनट के अंदर फाइल के साइज पर डिपेंड करता है ये आपका कन्वर्ट कर देगा। फाइंड टारगेट में आइए, फाइंड टारगेट में आने के बाद आप इसे जहां चाहिए, जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जा रहा हूं, यहां पर मैंने डेस्कटॉप पर इसे पेस्ट कर लिया, ये आ गया मेरा Audacity 1 नाम से मेरी फाइल। अब हम Audacity अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं जिससे हम वॉइस को चेंज करेंगे, उसके बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करेंगे, उसकी क्वालिटी को काफी इंप्रूव करेंगे, उसके बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करेंगे और क्रिस्प क्वालिटी की साउंड आपको प्रोवाइड करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल को ओपन करना है, फाइल ओपन में आइए और Audacity 1 जो हमारी फाइल थी उसको सेलेक्ट कर दीजिए। अब आपको इसका मेन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कभी भी आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करिए या वीडियो को रिकॉर्ड करिए तो कम से कम 5 से 7 सेकंड तक का जो टाइम है स्टार्टिंग का वीडियो का वो बिल्कुल ब्लैंक छोड़िए, बफर छोड़ दीजिए, कुछ मत बोलिए और जो बैकग्राउंड की नॉइस है उसको आने दीजिए।
आने के बाद आप बोलना स्टार्ट करिए या ऑडियो को रिकॉर्ड करिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 सेकंड के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें वीडियो की क्वालिटी को, वीडियो में ऑडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, इस तरह से जो बफर स्पेस है सेलेक्ट करिए, और जो भी मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ इसकी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इफेक्ट में मिलेंगे। अब हम लोग चलते हैं नॉइस रिडक्शन के अंदर। इसमें सबसे पहले करिए गेट नॉइस प्रोफाइल। गेट नॉइस प्रोफाइल को करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल दबाइए, पूरा आपकी टाइमलाइन सेलेक्ट हो जाएगी। फिर से आइए इफेक्ट में और नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। ये देखिए अप्लाइंग नॉइस रिडक्शन आपका अप्लाई हो रहा है। ये देखिए टाइमलाइन जो यहाँ पर अप डाउन थी वेव की तरह वो खत्म हो चुकी है। अब इसको एक बार आप और अप्लाई कर सकते हैं या एक बार से ज्यादा कर सकते हैं, मतलब जितनी आपकी वीडियो की इस ऑडियो में नॉइज थी उसको डिपेंड करता है कि कितने टाइम में वो रिमूव हो रही है, उसको आप 2-3 बार तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप इसे बार बार मल्टीपल टाइम अप्लाई मत करिए क्योंकि ऑडियो की जो क्वालिटी है वो इतना ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ती है, तो एक लिमिट तक ही इसका यूज करिए। ये देखिए अब जो भी यहाँ पे जर्किंग थी वेव्स थी वो खत्म हो चुकी है, मतलब क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है। लेकिन इसको और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपको और नेक्स्ट ऑप्शन में ले जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ जो ऑडासिटी के पुराने वर्जन थे उसमें ये ऑप्शन आता था इक्वलाइजेशन के नाम से। यहाँ पर ये फिल्टर कर्व और ग्राफिक इक्यू दो ऑप्शन में स्प्लिट कर दिया गया है। मेन मेरा पर्पस पड़ता है फिल्टर कर्व से, तो फिल्टर कर्व में आ गया हूँ। यहाँ पर आपका होना होगा मैनेज में फैक्ट्री प्रीसेट के बाद आप सेलेक्ट कर दीजिए पार्श बूस्ट को और ओके कर दीजिए। इससे आपकी ऑडियो की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती चली जाएगी। फिर से आइए इफेक्ट में और आने के बाद आप सेलेक्ट करिए फिल्टर कर्व, मैनेज में आ जाइए, फैक्ट्री प्रीसेट में आइए, ट्रिपल बूस्ट करिए और इसको ओके कर दीजिए। अब आपके ऑडियो की क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। लास्ट ऑप्शन आप ट्राई करिए नॉर्मलाइज का, और नॉर्मलाइज करने के बाद इसे आप ओके कर दीजिए। तो अब ये आपका फाइनल टच मैं दे चुका हूं आपके ऑडियो को, और ऑडियो को टच देने के बाद इसे वापस आपको अपने वीडियो में ले जाना होगा और वहां पर जो पुरानी ऑडियो है इसको रिमूव करके इस ऑडियो को लगा दीजिएगा। किस तरह से आप लगा सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। फाइल को एक्सपोर्ट करना, यहां पर एक्सपोर्ट करके वापस MP3 फॉर्मेट में सेलेक्ट कर दीजिए और इसका नाम आप दे दीजिए, जैसे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, 1-1 मैंने दिया, और ये बस ओके कर दीजिए। तो ये आपकी फाइल वापस जो इंप्रूव हो करके क्रिस्प एकदम क्वालिटी हो करके अब सेव हो चुकी है MP3 फॉर्मेट में, और यहां पर ये आ चुकी है ऑडासिटी 11। अब आ जाते हैं यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप फिल्मोरा सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, किस तरह से आप वो जो आपने ऑडियो को चेंज किया यहाँ पर उसको वापस ये जो आपकी रफ क्वालिटी की जो ऑडियो थी इसको हटा करके उस बेहतर क्वालिटी को यहाँ पर ला सकते हैं और आपने वीडियो को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी ऑडियो को। यहाँ पर आइए, आने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटैच, यहाँ पर ऑप्शन आता है जो मैंने पहले से कर लिया है, डिटैच ऑडियो पर क्लिक करिए। यहाँ पर ये ऑडियो डिटैच हो जाएगी, इसको रिमूव करिए और फाइल में मीडिया फाइल्स में आकर के जो आपकी फाइल आई थी ऑडासिटी 11 इसको ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद इसको आप टाइमलाइन पर ले आइए। टाइमलाइन पर लाने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से आप इसको इंक्रीज कर दीजिए, और जो पहले की जो ऑडियो की जो क्वालिटी थी उससे ये फार बेटर हो चुके है क्वालिटी। मैं आपको सुना Hey YTBS, की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस वॉइस एडिटिंग का सॉफ्टवेयर। बिल्कुल बैकग्राउंड की नॉइज जो है वो 95% तक कम हो चुकी है, और अब जो है मेरा वीडियो रेडी हो चुका है। दोस्तों इसको जरूर करिएगा इस ऑप्शन को ट्राई ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि ये थोड़ी सी देर की मेहनत आपके वीडियो की क्वालिटी को काफी हद तक इम्प्रूव कर देता है। एक बार आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा आपको ये सारा कुछ परफॉर्म करने के बाद, आपका वीडियो रेडी हो जाएगा। इसको लोड करिए, एक्सपोर्ट करिए और अपने व्यूअर्स के बीच में फैला दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपके कोई भी सवाल आगे रह गए हैं ऑडासिटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो आप वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। YT भारत चैनल पर हमेशा बने रहिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री।